वेलकम टू दिस चैनल लास्ट वीडियो में हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन हमने देखा था कि कलेक्शन टा में कलेक्शन टा में एनी नंबर यानी कि कलेक्शन टा में हम जितने मर्जी फाइनाइट नंबर ऑफ़ मेंबर्स हों या इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स काउंटेबली फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स का अगर हम यूनियन ले लें तो वो टा को बिलोंग करता है यानी कि हम यूनियन ले सकते हैं एनी नंबर का लेकिन इंटरसेक्शन में क्या था इंटरसेक्शन में हमने देखा था कि इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा यानी कि इंटरसेक्शन में रिस्ट्रिक्शन है और हम सिर्फ टा के फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स का इंटरसेक्शन ले सकते हैं तो ऐसा क्यों है हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स का क्यों नहीं ले सकते या एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा का इंटरसेक्शन हम क्यों नहीं ले सकते तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यूजुअल टोपोलॉजी ओपन सेट्स क्लोज सेट्स को भी स्टडी करेंगे वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा क्लियर होगा सो लेट स्टार्ट वीडियो। यूजल टपोलॉजी लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर कलेक्शन ऑफ दोट आर आर यूनियन ऑफ ओपन टपोलॉजी टपोलॉजी ऑन आर यानी यूजल टपोलॉजी में कलेक्शन टा किस तरह का होगा कोलेक्शन टा में आर के वो सबसेट्स लेने हैं जो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होंगे फिर ही ये कलेक्शन टा आर पर टोपोलॉजी होगा और ऐसी टोपोलॉजी को हम यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं अब हम यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट और क्लोज सेट्स को देखते हैं यूजुअल टोपोलॉजी में कोई भी सेट ओपन होगा अगर वो ओपन इंटरवल हो या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल हो और कोई सेट क्लोज होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए ओपन सेट ठीक है अब इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं अब हम देखेंगे कि ये सेट यू एल टोजी में ओपन है या क्लोज है ये सेट आप देख सकते हैं ओपन इंटरवल नहीं है और ना ही यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि ये ओपन सेट नहीं है सो द सेट ए इज़ नॉट ओपन इज़ नॉट एन ओपन इंटरवल एंड नॉट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल सो इट इज़ नॉट एन ओपन सेट तो ये ओपन सेट नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं ना तो ये ओपन इंटरवल और ना ही यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है तो ओपन सेट नहीं है सेट ए क्लोज होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा अब हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यानी हम आर में से सेट ए के एलिमेंट्स को निकाल देंगे तो जब हम आर में से ये देखें जब हम आर में से सेट ए के एलिमेंट्स को निकाल देते हैं निकाल देंगे तो क्या मिलेगा माइनस इंफिनिटी टू फाइव फाइव टू टेन ओपन इंटरवल है क्योंकि फाइव टेन फिफ्टीन जो है वो इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल है टेन टू फिफ्टीन और इसी तरह से फिफ्टीन टू प्लस इंफिनिटी तो अब आप देख सकते हैं कि और इसे हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे क्योंकि फाइव टेन और फिफ्टीन जो है वो इंक्लूड नहीं है और हमने देखा कि रियल लाइन में से सेट एक के एलिमेंट्स को माइनस करने से निकाल देने से जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल बना ठीक है तो ये यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल हमारे पास आया है ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल हमने क्या पढ़ा था अभी कि क्या है ओपन सेट तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया ओपन सेट तो ए कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो फिर ए क्या होगा क्लोज़ तो ए यहाँ पे क्या आ गया क्लोज तो इसका मतलब है ये सेट यूजलॉजी में क्या है क्लोज़ अब इसी तरह से हम एक और इसकी एग्ज़ाम्पल देखेंगे इसकी हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं हमने यहाँ एक सेट लिया है और इसको लेट किया है ए ये भी उसी तरह से है कि ये सेट ओपन नहीं है क्योंकि ये ओपन उप, सेट नहीं है ये सेट क्यों ये ओपन सेट नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल नहीं है और ना ही ये यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल आप देख सकते हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स में सो इट इज़ नॉट ओपन तो फिर ए इज़ क्लोज इफ़ एंड ओनली फे कॉम्प्लीमेंट इज़ एन ओपन सेट तो चेक करते हैं कि क्या ए जो है वो क्लोज है तो इसको देखने के लिए हम ए कॉम्प्लीमेंट को चेक करेंगे आर में से क्या कर देंगे अगेन वही काम करेंगे ए को निकाल देंगे तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो जीरो टू इन्फिनिटी ठीक है इस तरह से इसको हम लिख लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट अगेन हमारे पास क्या आया यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल जो कि क्या है ओपन सेट तो एक कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन सेट आ गया और ओपन सेट अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो फिर ए क्या होगा क्लोज यानी कि यहाँ से ए हमें पता चल गया ये क्लोज है इसका मतलब ये जो सेट है ये क्लोज है टोपोलॉजी में अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस जाएंगे तो क्वेश्चन ये था कि इंटरसेक्शन हम टा के सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स का ही क्यों लेते हैं अगर हम फाइनाइट की बजाय इनफाइनाइट फाइनाइट ये काउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होता है ये सारे जो हैं ये टा के मेंबर्स हैं क्योंकि ये ओपन इंटरवल हैं और हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है और टा के जो मेंबर्स होते हैं वो ओपन सेट होते हैं तो ये सारे जो हैं ये टा के मेंबर्स हैं ठीक है एन को वेरिएशन देकर आप इस तरह से इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं एन को वेरिएशन दे के एन जब को जब वन दिया वेरिएशन में तो ये आ गया टू के लिए ये इस और इस तरह से तो जैसे जैसे हम एन को वैल्यूज़ देते जा रहे हैं तो अब आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि इन सब के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है ज़ीरो ठीक है एन को जब आप यहाँ से भी वैल्यूज मतलब माइनस वन से वन इंटरवल और फिर माइनस वन बाई टू से वन बाई टू इंटरवल और ये किस तरफ जा रहा है इनके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा ज़ीरो तो अभी हमने देखा था कि जो ज़ीरो है ये क्या है ये क्लोज है अभी हमने देखा था ज़ीरो क्या है क्लोज है तो यहाँ से हमने देखा जब हमने काउंटेबल इंटरसेक्शन लिया टा के मेंबर्स का तो हमें कौन सा सेट मिला क्लोज सेट मिला जो कि टा को बिलोंग नहीं करता कलेक्शन टा से नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम फिर हम हम पर रिस्ट्रिक्शन है कि हमने फाइनाइट नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ टा ही लेने हैं क्योंकि हो सकता है पॉसिबल है कि अगर आप काउंटेबल इंटरसेक्शन लेते हैं टा के मेंबर्स का तो आपके पास जो आंसर आए वो टा को बिलोंग ना करे ठीक है कलेक्शन टा में ना जाए क्योंकि हो सकता है क्लोज आ जाए जो कि कलेक्शन टा में नहीं हो सकता तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी थैंक यू सो मच